एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो डीआईआईज ने कल करीब 2400 करोड़ की खरीदारी की। एफआईआईज ने कुछ दिनों की बिकवाली के बाद फिर एक बार कल खरीदारी की करीब 630 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस पर भी नजर डालेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 470 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 1,11,000 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 13,650 करोड़ की खरीदारी और स्टॉक ऑप्शंस में 1,890 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन ऑल इन ऑल कल का ट्रेडिंग सेशन अच्छा था। आज सुबह ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव है और गिफ्ट निफ्टी से करीब 30 अंकों की तेजी आज सुबह भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकती है, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताए आज क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? शुक्रिया आशीषा। देखिए कल मार्केट ने फिर से बहुत ही शानदार क्लोजिंग करके दिया है। बैक टू बैक सेकेंड डे है जब क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, और अगर आप क्लोजिंग को भी बहुत गंभीरता से चेक करेंगे तो कल क्लोजिंग निफ्टी की ज्यादा अच्छी मिली आपकी बजाय बैंक निफ्टी के। परसेंटेज में चेक कर लीजिए, भले कन्विक्शन में लेवल पर किसी में भी चेक कर लीजिए, कल हमने 26,000 के ना केवल ऊपर वापस से क्लोजिंग दी बल्कि 26,200 के टारगेट को भी अचीव कर लिया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लास्ट मोमेंट तक, सितंबर मोमेंट आते आते, सितंबर की सीरीज खत्म होते होते तक अपना मैक्सिमम जितना दे सकते थे उतना मैक्सिमम दिया। मैं दो पॉइंट आपके सामने आज रेज करूंगा जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में बनता है, वो मैं दोनों पॉइंट्स आपको मैं नोटिस कर देता हूँ। पहला ओपन इंटरेस्ट के साथ शुरुआत करता हूँ। निफ्टी का 6,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने अक्टूबर सीरीज के अंदर एंटर किया है। ये बहुत ही भारी सीरीज है, यानी कि ऑलरेडी हम काफी बड़ा ओपन इंटरेस्ट, काफी बड़ी पोजीशन बना के अक्टूबर सीरीज के अंदर एंटर हो गए हैं। इतनी बड़ी सीरीज के साथ ना बाजार चल सकता है ना बाजार की हिम्मत होती है चलने की, तो ये बात आप मान लीजिएगा। क्योंकि आपने 26,200 को भी अचीव कर लिया सितंबर सीरीज के क्लोज होते होते, और अक्टूबर में आप भारी सीरीज लेके आए हो, और एफआईआईज का जो नंबर है ये भी बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर मिलते हैं। 79% दे आर लॉन्ग इन द इंडियन मार्केट। अब वो 100% नहीं खरीद सकते हैं, वो 90% भी नहीं खरीदते हैं, वो मैक्स जाएंगे 82-83% तक। उनकी एवरेज आती है 75-76% की। तो अभी आप मैक्सिमम पे जा चुके हो ऑलरेडी और मैक्सिमम लेवल से भी जा चुके हो निफ्टी के। तो नए लोगों थोड़ा भैया हुए रहना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं, उस समय खरीद रहे जब एफआईआईज मैक्सिमम पे हो। और एक और चीज मैं आपको नोटिस कराता हूँ इसी डाटा में कि रिटेल ने कुछ भी नहीं कमाया खास लॉन्ग पोजिशन, क्योंकि रिटेल की लॉन्ग पोजिशन जस की तस है, वो 34% पे लॉन्ग है। और 26,000 से लेके 26,200 या मैं बोलूंगा 25,800 से लेके ये जो 400 पॉइंट की रैली आई है, इसमें रिटेल निवेशक का कोई खास बड़ा रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल लेड रैली है जो इसकी तरफ से बना है और तेजी आई है। इसमें डीआईज ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। कल आपको एक और हैरानी का आंकड़ा देता हूँ। कल जब बाजार चल रहा था बकायदा डीआईज ने 2% और माल बेच दिया अपना, 41% पे वो होल्ड रखे, लॉन्ग को उन्होंने 39 कर दिया। तो ये एक इंडिकेटर है कि एफआईआईज लेड रैली रही और ये हमको सितंबर सीरीज के क्लोज आते होते दिखी। हम भारी भरकम सीरीज को लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी पुट कॉल रेशियो भी मैं बता ही देता हूँ लगे हाथ, वो है 1.37, 1.4 पे आके निफ्टी महंगा हो जाता है। हम ऑलरेडी 1.37 पे आ गए हैं, तो स्लाइटली महंगा है बाजार आज। तो आज मेरे को लग रहा है जो फ्राइडे का सेशन है टिपिकली वो थोड़ा कंसोलिडेशन का सेशन होगा, नई सीरीज का सेशन है, इसलिए पॉजिटिव हो सकता है बिकवाली ना हो। बट ध्यान रखें, ये मैं आपको ये शॉर्ट करने के लिए इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि लॉन्ग करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। डाटा ऑलरेडी काफी हीटअप हो चुका है, मैं फिर भी सपोर्ट और टारगेट आपको देता हूँ। 26,000 पहला सपोर्ट बन चुका है क्योंकि दो दिन की क्लोजिंग मिल चुकी है इसके ऊपर, और दूसरा भी 25,800 एक सपोर्ट एरिया है। ऊपर जाते समय 26,350 हम एक रेजिस्टेंस एरिया के तौर पर काम करेगा। आते हैं निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर। ऑलरेडी मैं पॉइंट पॉइंट और बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए थोड़ा समय लेके बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी और लाइट होके आया, जितना निफ्टी हैवी होके आया बैंक निफ्टी उतना ही लाइट होके आया। 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट है इसके अक्टूबर सीरीज के अंदर खड़े हुए, तो बैंक निफ्टी को गलती से भी शॉर्ट नहीं करना। इस तरह बैंक निफ्टी में अभी भी 1,000 पॉइंट की स्टीम बाकी है। 54,000 का भाई एक नया सपोर्ट हो गया आपके पास, और फिर से जाएंगे नीचे तो 53,800 का सपोर्ट है। ऊपर जाते समय आपको पहले 650 का रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर आप सीधा 55,000 के टेरिटरी में भी एंटर कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को 1:1 की रेशियो में बनाना चाहो तो सिर्फ बैंक निफ्टी के साथ एक्सपेरिमेंट करना, निफ्टी के साथ नहीं। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा देख के काम करना। ऑलरेडी प्रीमियम काफी हाई होके आए हुए हैं सीरीज के अंदर, और कोई
ऑफिशियल एफआईआर बैन में नहीं है, एफआईआर की होल्डिंग मैंने आपको बता दी। बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने की गलती मत करना। और शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन भारतीय बाजारों में दिखाई दे सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी पर हजार अंकों की तेजी अभी भी दिखाई दे सकती है। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हमारे साथ और एक मेहमान जुड़ चुके हैं, हेमेन कपाड़िया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूशनल इक्विटी केआर चौकसी के। बहुत बहुत शुक्रिया हेमेन समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप अपनी राय इंडेक्स पर ही दे दीजिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए दर्शकों को? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। अब थोड़ा स्ट्रेच्ड है, ओवरबॉट है और काफी बड़ी मूव आई है, तो कल का लो मान के चलना चाहिए। मेरी गिनती के हिसाब से इंडेक्स को अवॉइड करें फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि सब कुछ लाल है, सब कुछ ओवरहीटेड है, तो नया सेटलमेंट है, देखना चाहिए कहाँ पे ओआई बढ़ता है। सो आई वुड से अवॉइड डूइंग एनीथिंग, अगर मतलब इंडेक्स को आप टाइमिंग के लिए अवॉइड करें। तो ये राय है इंडेक्स पर, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हेमेन कौन से रहेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक पहला बाई कॉल रहेगा आदित्य बिरला कैपिटल, इंट्राडे बाई कॉल रहेगा। स्टॉक ने एक छोटे से ट्रायंगल में से ब्रेकआउट दिया है, मैकेनिकल इंडिकेटर्स क्रॉस और बाय हो चुके हैं, तो सेटअप हाई टॉप हायर बॉटम बन के चल रहा है। तो एवी कैपिटल 236 की एंट्री, 233 का स्टॉप लॉस और 242 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 एवी कैपिटल। दूसरा स्टॉक जहाँ पे बाय कॉल रहेगा इंट्राडे वो है अंबुजा सीमेंट, मिनी ब्रेकआउट दिया है 4 ट्रेडिंग स्टेशन के कंसोलिडेशन में से, वही लॉजिक है, इंडिकेटर बाय में आ चुके हैं, हायर टॉप हायर बॉटम है, स्टॉक चलने के मूड में है। तो अंबुजा सीमेंट पे बाय कॉल रहेगा इंटरडे, 625 की एंट्री, 621 का स्टॉप लॉस और 633 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। सीमेंट सेक्टर से अंबुजा सीमेंट पर खरीदारी की राय, 633 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ आदित्य बिरला कैपिटल पर भी खरीदारी की राय है, 242 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य यहां पर भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमेन समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जोमैटो और कई सारी और कंपनियां भी आज फोकस में रहेगी। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल देते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बताएं कमोडिटी मार्केट पर क्या रणनीति बतानी चाहिए? सबसे पहले सोने चांदी पर आप अपनी राय दीजिए, फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोना है, यहां पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग, देखिए गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास हैं, और डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, तो ट्रेंड अगर हम देखें तो बुलियंस का एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हमें लगता है कि ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू रहेगा और यहाँ पर खरीदारी की ही ट्रेड इंट्राडे में देखे जा सकते हैं। तो आज के लिए हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर खरीदारी कर सकते हैं करीबन 75,380 में, स्टॉप लॉस लगाएं 75,180 का, टारगेट 75,780 तक देखा जा सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि एक बार अगेन 2680-2690 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकता है, इनफैक्ट हम टारगेट कर रहे हैं कि 2700 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और सिल्वर में भी करीबन लग रहा है कि 33 डॉलर तक के लेवल आ सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो खरीदारी का ट्रेड सोने और चांदी पर लगा सकते हैं। इसी के साथ ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय रहेगी अनुज? ब्रेंट में एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, हमें लगता है कि वहां पर थोड़ा सा अभी लैक लस्टर एक्टिविटी है, थोड़ा वेट वहां पे कर सकते हैं। बट हाँ, नेचुरल गैस में हमने देखा है कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हुआ है, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इंट्राडे में अगर प्राइस 237 तक आए तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, 240-260 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 231 तक देखने को मिल सकता है। तो सलन राइज की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में ले सकते हैं। हालांकि एनर्जी सेगमेंट में अगर हम देखें तो कोई खास क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, तो मार्केट एक रेंज में ही रह सकता है एनर्जी सेगमेंट में। और इसी के साथ बेस मेटल्स पर भी अपनी राय दे दीजिए, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड।
देखिए बेस मेटल में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, कल हमने देखा कि सभी बेस मेटल में अच्छी एक रफ्तार देखने को मिली थी, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। तो एल्युमिनियम हमें लगता है कि क्योंकि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है तो यहाँ पर बायोन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। तो एल्युमिनियम में करीबन 237.10 में खरीदारी करें, 234.80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 240.05 तक देखा जा सकता है। तो बेस मेटल में हालांकि कॉपर भी अच्छा चल रहा है पॉजिटिव, वहां भी खरीदारी बना सकते हैं, मगर टॉप पिक में एल्युमिनियम हमें लगता है कि आज के लिए टॉप परफॉर्मर हो सकता है। तो बेस मेटल से एल्युमिनियम पर खरीदारी की राय और टॉप परफॉर्मर भी हो सकता है, ऐसी राय अनुज की तरफ से। शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।